नुकसान 33% से कम है तो मुआवजा नहीं मिलता है। लेकिन मैंने अभी एक आग्रह किया है, मैंने जयपुर भी बात की है, अभी ये रपटा टूटा पड़ा है पीछे वाला सारा टूट गया रपटा का। तो ये 3-4 दिन पुरानी बात है कि मैंने आज कहा है, तो मैं बात करूंगा कलेक्टर साहब से भी और मैं जयपुर बात की विभाग में PWD में, तो उन्होंने मुझे कहा कि प्रेगनेंसी में तुरंत प्रभाव से पैसे सैंक्शन करेंगे ताकि वहाँ पे फटाफट वहाँ यातायात काम गिरदावरी के बाद रिपोर्ट बनेगी उसमें मुआवजे की बात है। और मैं तो चाहता हूँ कि किसान का जो गरीब किसान है उसको अधिक से अधिक मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का जो प्रकोप रहा इसमें जो संपन्न लोग हैं जो शहरों में हैं उनको तो कम पीड़ा हुई है, लेकिन जो छोटे मकान और खेतों में रह रहे हैं काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी कि जिलाधिकारियों से, प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारियों से, विभाग से, सरकार से मांग रखें कि सब लोगों को उचित मुआवजा मिले और उनको छूट ना जाए। इसलिए मैंने अधिकारी को कहा है कि आप अभी जो मौका मुआयना कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा अभी खेतों में पानी भर रहा है, अब जाके आप मुआयना गिरदावरी करोगे तो सही रिपोर्ट बन जाएगी, 4-5 दिन बाद क्या पानी निकल जाएगा, फिर आप रिपोर्ट ढंग से बना नहीं पाओगे। तो उन्होंने मुझे कहा है कि हम फसल का खराबा देखेंगे, जहाँ पत्ते और पेड़ पीले पड़ गए हैं उसका नाकलन करेंगे और अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मैंने अभी निवेदन अधिकारी को भी किया है, जिला प्रशासन के लोगों से भी कहा है, सब जयपुर की बात कर रहा हूँ। मेरा यही था कि इस मुश्किल घड़ी में आप जानते हो प्रदेश की अनेक जगहों में लोगों की मौत हुई है, तो बाढ़ें बह जाते हैं, बच्चों की लोगों की मौत हुई है, तो मुश्किल समय था। इसमें किसी को आरोप देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये तो बारिश है, आप सही कह रहे थे हमारे साहब, देखिए कि भाई बारिश होती है तो कुएं भरते हैं, बांध भरते हैं, चारा भी अच्छा हो जाएगा अगली बार, लेकिन जिन लोगों को नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी पूरी मदद करने का काम हमको करना चाहिए और इस काम में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए और इसमें कोई पार्टीबाजी BJP कांग्रेस नहीं देखकर लोगों को, जो नागरिक हमारे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है मिलकर काम करें और सरकार किसी की भी हो लेकिन इस मुश्किल घड़ी में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और बिना भेदभाव के सब लोगों की मदद करनी चाहिए। ये निवेदन मैंने सरकार को भी किया है, सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन हम किसी की मदद करें, किसी को मुआवजा दें और वो 6 महीने बाद पैसा मिले उसका कोई फायदा नहीं होगा। सही बात भाई, मौके पे जो मदद तो मिलनी चाहिए और खासकर जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो नहीं झेल पाएंगे। 2-6 महीने को इसने खेले, किसी ने पैसा बाजार से लिया, उधार लिया, बैंक से लिया, किसी से लिया, तो इन सब बातों पर मैं ध्यान दे रहा हूँ और जो हम लोग कर सकते हैं, छोटा मोटा रिपेयर कराना है, सड़क बनानी है, लोगों की मदद करनी है, उस काम को भी कराएंगे। और भी क्या आपको कोई समस्या हो, और मैं तो देख रहा था इन 11 पंचायतों में तो और क्षेत्र में नुकसान थोड़ा ज्यादा हुआ है, इसलिए मैं सबसे मिलकर आपसे आवेदन भी लिए हैं और जो रिपोर्ट बनेगी लिखा करके तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए आपके खेतों में जब लोग जाए आप लोग उसको लिखाए, जब तक लिखित पढ़ का काम नहीं होगा तब तक मुआवजा नहीं मिलेगा। तो अपने खेतों का जो भी जमाबंदी है, जो आपके पेपर है, साथ में जाके लिखवाने जरूरी वो अलग है, कौन सा वो ऐसा है, 11 पंचायत का राहुल जी बता रहे थे, एक तो होता है मुआवजा देना और एक होता है जो फसल का नुकसान हुआ है, सब दो अलग अलग है। नहीं पर आप बाकी बात सुनो, संतोष ने राहत का, एक होता है बीमे का पैसा मिलता है, जो फसल का जो नुकसान होता है उसका बीमा का पैसा मिलता है बीमे का, लेकिन जो अतिवृष्टि हुई है उसका मुआवजा मिलता है, वो पंचायत का रेवेन्यू विलेज का मुआयना करते हैं, ऐसे करते हैं तो समझा दूंगे बड़वाला। जो आपका रेवेन्यू विलेज है, आपका राजस्व ग्राम है, उसके हिसाब से अपन चेक करते हैं कि 33% से ज्यादा खराबा है नहीं। हमने सर ने डायरेक्शन दिया और हमने भी ये कहा नीचे कि अपने को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि किसानों की मदद हो सके, जहाँ खराबा है वहाँ खराबा अपन दिखाएं ज्यादा से ज्यादा, और उसमें तो अभी इमीडिएटली आपको रिलीफ मिल जाएगा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड आता है, आपदा प्रबंधन का, वो है 17,000 रुपए दी रहती है। और अगर आपकी फसल सही है और बाद में आपका दाना जो है वो खराब होता है तो वो फसल बीमा के अंदर कवर होता है, वो आपको फसल बीमा से मिलता है, वो अलग है। बैंक बता रहे भाई आप
कहीं से भी हो तो किसान किसानों मिलेगा पूरा माल। तो आपने लेटर लिख दिया ना, वो अपने दिए थे सर। बदल के वो तो कागज का काम आपको करना ही पड़ेगा। आ रहे जा रहे हो नहीं छाप हुआ जो मांगे थे एरिया को ना मैनेजर मानक को ना तारीख खत्म है। 11 बजे टॉक मन मांगा हाँ उसको बोले जिला के दिखाओ कुछ दुखा दे लेटर लिख दिया साहब। अरे टाइम तो लगे स्कूलों में जहाँ दीवार लिखा है वो जानो कहा वो जानो कराणु चलो सर नहीं कनकट है सर डी एम साहब को सर जी नहीं कनकट सर कलेक्टर मेरी बात कर रहा है उधर चला दो ना थोड़ा साहब नहीं बेट जा ना रास्ते पानी ठीक है पिल्ला तो उतर गए पिल्ला साहब बात अरे रुको सुभाष पास नहीं गिर जाएगी कोई मकानी गोशा खानी दे रही है and other organizations are not like PWC we can make the best for the reports for the Sabha please make a report either in disaster or in flood jo bhi aap karna chahe but send it to him and I'll have sanction done since possible नहीं जो रपटा मिले हमसे तो ज़्यादा खर्चा है तो कम्प्लीटली कट ऑफ उसका हाँ तो जिस आप वो भेजेंगे ना तो हीट हैबिट सैंक्शन स्टेट पर भेज सकेंगे दूसरा अभी मैं यहाँ देख रहा था एक तो विशेष विद्यालय भी ऑर्डर हुई नहीं मिलेगा एंड व्हाट अबाउट द इंश्योरेंस बीमा है बट उसमें जो प्राइवेट कंपनी है रहेगा नहीं अभी जो SDRF का है 70,000
But I have told them कि जितना जल्दी करें because delay will just cause more problems and so on. And I have asked them to stop it. हम लोगों को नुकसान हो रहा है, हम लोगों को नुकसान हो रहा है, हम लोगों को नुकसान हो रहा है. That's not work. Do some contingency based on disaster response. And जहाँ पे आपको लगे I can also contribute to you. I will support somebody. आप जाके मिले ना उससे दोबारा बोलता हूँ